देखता हूं आजकल सब जगह पढ़ रहा हूं सुन रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग। आखिर नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत क्या है इंडिया में या पूरी दुनिया में, आइए इस टॉपिक पर आज थोड़ी सी एक चर्चा करते हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक रोजगार का तरीका है, एक माध्यम है, और अगर हम रोजगार की जब बात करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में 90 लाख स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएशन पूरा करते हैं। ये डेटा मैंने इंटरनेट से लिया, कुछ अच्छी वेबसाइट से लिया, 90 लाख स्टूडेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 90 लाख जॉब क्रिएट हो रही है एवरी ईयर? 90 लाख नौकरियां क्या भारत में निकलती है हर साल? शायद नहीं। और यही वजह है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 90 लाख इतना बड़ा फिगर है कि इसको कवर कर पाना बहुत आसान चीज नहीं है। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड की हाईएस्ट जो जॉब देने वाली कंपनी है, जो डिपार्टमेंट है, दैट इज इंडियन रेलवे। और मुझे पता चला इंडियन रेलवे के पास 14 लाख एम्प्लॉइज है, 14 लाख एम्प्लॉइज इंडियन रेलवे में काम कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड लेवल पर 8th रैंकिंग में आता है इंडियन रेलवे। इंडियन आर्म फोर्सेस में करीब 13 लाख लोग एम्प्लॉयड है, 13 लाख लोग इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ काम कर रहे हैं। इंडियन पोस्ट, भारतीय डाक, जो कि 9 नंबर पे आता है वर्ल्ड रैंकिंग में, उसमें 4.9 लाख लोग काम कर रहे हैं जिनको जॉब मिला। सो फ्रेंड्स, अब सवाल यह पैदा होता है कि करें क्या? गवर्नमेंट कितनी जॉब क्रिएट कर सकती है? गवर्नमेंट कितनी फैक्ट्रीज लगवा सकती है? गवर्नमेंट कितने डिपार्टमेंट नए बना सकती है? क्या किया जाए? सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा है, क्योंकि आज इंडिया पूरी दुनिया में सबसे यूथ कंट्री, सबसे ज्यादा यूथ भारत में है, सबसे ज्यादा यंग लोग भारत में है, और यही वजह कि सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी भारत में है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके सॉल्यूशन पर आज मैं बात करने आपके सामने आया हूं, लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को महसूस हुआ और मैं आपके सामने लाया हूं, वो ये है। आपने अनएम्प्लॉयमेंट तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है अंडर एम्प्लॉयमेंट? व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयड? अंडर एम्प्लॉयड पीपल क्या है? दोस्तों ये वो लोग हैं जिनको उनकी क्षमता के हिसाब से जो मिलना चाहिए था, जो सैलरी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। दे आर अंडर एम्प्लॉयड। और ये मैकिन्सी की रिपोर्ट है, जो कि अमेरिकन रिसर्च कंपनी है मैकिन्सी की रिपोर्ट है कि इंडिया में 35 से 45% तक लोग अंडर एम्प्लॉयड है। सो हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों के पास जॉब है, दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। उनको भी वो नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए था। अब क्या किया जाए? दोस्तों यही पर मैं आपको बात बताना चाहता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग इन सभी प्रॉब्लम्स का एकमात्र सॉल्यूशन है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई हम 14 लाख लोग ही यहां पर ले सकते हैं, या 20 लाख ले सकते हैं, या 30 लाख ले सकते हैं। यहां पर अनलिमिटेड लोगों के लिए जगह है, उनके लिए रोजगार है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयर यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी जो जॉब कर रहा है वही दूसरे के लिए जॉब क्रिएट कर रहा है। क्या ऐसा अभी तक हमने कभी देखा कि एक एम्प्लॉय किसी दूसरे के लिए जॉब क्रिएट कर रहा है? हमने ऐसा तो नहीं देखा। हमने ऐसा जरूर देखा है कि एक एम्प्लॉय दूसरे की जॉब को काट रहा है, उसको खा रहा है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा। यह सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का, क्योंकि सिस्टम इतना बढ़िया है, इस सिस्टम की वजह से यह पॉसिबल है। और दोस्तों मैं सच बताऊं, अक्सर मेरे दिमाग में यह आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों किया जाए। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है, जो लोग एम्प्लॉयड हैं, मान लेते हैं एक व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है, और वो व्यक्ति अलग से उसकी सैलरी 50,000 रुपीज है, 50,000 रुपए, वो दिल्ली में रहता है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में रहकर 50,000 रुपए कमाकर कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं किया जा सकता, और उस आदमी के सपने बहुत बड़े हैं। वो क्या कर सकता है? जॉब छोड़ नहीं सकता। अगर जॉब छोड़ेगा तो दिल्ली में रहना मुश्किल है। यहां पर एक सॉल्यूशन सामने आता है, एंड दैट सॉल्यूशन इज नेटवर्क मार्केटिंग। यदि कोई आदमी दिन में 1 से 2 घंटा भी अपना टाइम स्पेयर कर ले, या संडे के दिन 5-7 घंटे भी अपना कुछ समय निकाल ले, तो वो अपनी जॉब के साथ साथ बहुत अच्छे से नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमा सकता। और अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, दोस्तों एक स्टेटिस्टिक्स, एक डेटा मेरे पास है जो मैंने इकट्ठा किया, WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इन्होंने एक बहुत अच्छा डेटा दिया कि करीब 10 करोड़ 30 लाख लोग
पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। दोस्तों इंडिया का अलग से डेटा हमारे पास नहीं आया क्योंकि अभी ये सेक्टर थोड़ा स्कैटर्ड है भारत में। इंडियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस अभी ही तो लॉन्च किए हैं, धीरे धीरे ये सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से सामने आएगा, एक इंडस्ट्री बनकर उभरेगा। लेकिन मैं WFDSA की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इन्होंने बताया करीब 10 करोड़ 30 लाख लोग पूरे दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। और दोस्तों एक ऐसे फिगर आपको देने जा रहा हूं जो फिगर आपको हैरान कर देगी, और वो फिगर ये है पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग की जो एवरेज इनकम, एवरेज भी नहीं कहना चाहिए, जो मिनिमम इनकम है पहले साल में, दैट इज अराउंड 35 लाख रुपीस इन अ ईयर। हेलो, 35 लाख रुपीस एनुअल इनकम है पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों की मिनिमम। ये डेटा मेरे को नेट से मिला, आप भी देख सकते हैं। दोस्तों इंडिया में जस्ट शुरुआत है, क्योंकि यहां तो ये इंडस्ट्री अभी गाइडलाइन ही अभी आए हैं, तो हम तो इसे शुरुआत ही मानेंगे। दोस्तों ये बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है उन लोगों के लिए जिनके पास अभी रोजगार नहीं है, कुछ नया करना चाहते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, ये वो इंडस्ट्री है जो पिछले 60 से 70 सालों से पूरी दुनिया में आश्चर्यजनक रिकॉर्ड्स बना चुकी है, लोगों ने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं अपनी इनकम के। यही वो इंडस्ट्री है जहां पर एक गरीब आदमी को अमीर बनने का मौका मिलता है, क्योंकि मेरा मानना यह है अमीर आदमी के पास अमीर बनने के और ज्यादा अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी के पास अमीर बनने के बहुत कम रास्ते हैं, जिनमें नेटवर्क मार्केटिंग एक है। दोस्तों आइए हम सब मिलकर इस इंडस्ट्री को और ज्यादा अच्छे से निखारें और पवित्र तरीके से इसमें काम करें, तो दोस्तों हम सभी खुशहाल हो सकते हैं। और ये भारत की जो समस्या है, जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी, सभी प्रधानमंत्री हर बार लाल किले से बोलते हैं स्वरोजगार स्वरोजगार स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार, नेटवर्क मार्केटिंग स्वरोजगार को ही प्रमोट करता है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको तैयार करता है कि आप खुद से अपना बिजनेस खुद तैयार करें, और आपको सिखाया जाता है। दोस्तों मेरी नजर में ये एक बेहतरीन इंडस्ट्री है जो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सारे रिकॉर्ड्स बना रही है। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग पर चर्चा जारी।